जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मोटो बैक टू बैक काफी सारे लॉन्च करता जा रहा है और नेक्स्ट लॉन्च भी होने वाला है G62 का। लेकिन आपको इस प्राइस में, आपको जो मिड रेंज है 12-13 हज़ार रुपये में, इसमें आपको अगर एक बेस्ट फ़ोन ख़रीदना है तो सैमसंग या फिर आपको मोटो वाला कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे मोटो G32 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी F22। कह सकते हो दोनों ही 12-13 हज़ार की प्राइसिंग में मिल जाते हैं, 4+64 का वेरियंट। नहीं तो हाई वेरियंट के लिए मैं आपको एक अलग ओपिनियन दूंगा, लास्ट ओपिनियन जरूर से सुनो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोनों ही फोन्स के प्राइस और वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो 4+64 का एक ही वेरिएंट देखने मिलता है आपको मोटो G32 में, और यहां पे आपको दो वेरिएंट देखने मिलते हैं 12,000 और 14,000 के सैमसंग में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि जो 6+120 वाला हाईर वेरिएंट लेना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको लास्ट ओपिनियन में एक अलग फ़ोन सजेस्ट करूंगा, सैमसंग लवर्स को भी अलग फ़ोन सजेस्ट करूंगा, और जो अदर ब्रांड्स के एक बेस्ट गेमिंग या फिर कैमरा फ़ोन लेना चाहते हैं उनको भी मैं एक अलग फ़ोन सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। मोटो की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज की आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलती है। आपको पता है कि G42 जो था उसमें एमोलेड डिस्प्ले दी थी, फिर G31 तो जा तो 10-10.5 हज़ार के करीब मिलता है, उसमें भी एमोलेड डिस्प्ले थी, लेकिन भाई इसमें आपको फास्ट चार्जिंग अच्छी दे दी, प्रोसेसर ठीक ठाक दे दिया, इसलिए भाई आईपीएस डिस्प्ले दी है, क्योंकि भाई बैलेंस करना पड़ता है प्राइसिंग बजट के हिसाब से। लेकिन भाई डिस्प्ले भी ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे F22 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की HD प्लस की, फुल HD प्लस नहीं है, HD प्लस 90 हर्ट्ज की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब दोनों में ही डिफरेंस क्या है, फुल HD प्लस विथ IPS और HD प्लस विथ यहाँ पे सुपर एमोलेड। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा एमोलेड डिस्प्ले की ओर जाना चाहिए, HD प्लस है कोई बात नहीं, लेकिन आपको डेफिनेटली सैमसंग वाले डिस्प्ले बेटर एक्सपीरियंस देगी। चलिए दोनों ही फोन्स के कैमरास की बात करते हैं। आपको बताइए भाई 3 कैमरा 4 कैमरा 2 कैमरा ये फर्जी बातें हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊं तो 50+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 48+8+2+2 यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो वहीं अगर बात करूँ, ठीक है यहाँ पे मिड रेंज है तो यहाँ पे आपको ऐसे ही कैमराज देखने को मिलेंगे, नॉर्मल कैमराज है, एकदम कह सकता हूँ बेस्ट कैमराज या फिर बेस्ट सेल्फी वाले फोन्स नहीं है। चलिए अगर मैं बैटरी की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं, सबसे ज़्यादा लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो भाई इसी चीज़ में होते हैं, 6000 mAh की बैटरी दे दी या फिर 5000 mAh की बैटरी दे दी। भाई ये चीज़ कह सकते हो 6000-5000 से कोई भी अपने लेना देना नहीं है। आपको मैं सिंपली बताता हूँ, 5000 mAh की बैटरी विथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 6000 के साथ में आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, बाकी फोन 32 वॉट का भी सपोर्ट फुल चार्जर कर लेता है। लेकिन देखो सबसे पहले 33 वॉट फास्ट चार्जिंग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है फास्ट चार्जिंग, क्योंकि देखो अगर आपको जल्दी से कहीं पे भी जाना है और आपका फ़ोन भाई बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं 15 वोल्ट का एक नॉर्मल चार्जर है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज होने में। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा 5000 mAh विथ 33 वोल्ट आपके लिए एक बैलेंस्ड चार्जिंग और एक बैटरी रहेगी। तो भाई बैटरी के मामले में तो आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा 5000 mAh विथ 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग जो आपको मोटो वाले फ़ोन में देखने को मिलती है। लेकिन प्रोसेसर में आपको सिंपल ही बता देता हूँ अलग अलग यूज़र के हिसाब से, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर जिसके 2.5 लाख के करीब एंतुतु स्कोर आते हैं, मीडियाटेक हेलियो G80 का जिसके आपको 2 लाख के करीब करीब एंतुतु स्कोर आते हैं। अब आपको बताया कि दोनों ही बेसिक से प्रोसेसर है, ज़्यादा कह सकता हूँ वो गेमिंग वगैरह के लिए ये दोनों ही प्रोसेसर नहीं है, आपको दोनों ही एकदम बेसिक से फोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी मोटो वाले फ़ोन में, सैमसंग वाला फ़ोन कह सकता हूँ थोड़ा सा पुराने प्रोसेसर के साथ में आता है, और भाई फ़ोन भी कह सकता हूँ काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हो रखा है, लेकिन डेफिनेटली सैमसंग लवर्स के लिए आज भी एक बेटर चॉइस है। तो प्रोसेसर दोनों ही फोन्स के हिसाब से अच्छा है। चलिए तो लास्ट ओपिनियन कहने से पहले आपको कुछ अदर फीचर्स और बता देता हूँ, जैसे कि आपको मोटो वाले में IP52 रेटिंग देखने को मिलती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और 3.5 जैक देखने को मिलते हैं, सैमसंग में सिंगल स्पीकर है, IP रेटिंग नहीं है, और यहाँ पे भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और 3.5 जैक देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं अपने लास्ट ओपिनियन की, आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। सबसे पहले सैमसंग लवर्स को मैं क्लियर करता हूँ, डेफिनेटली F22 एक बेटर फ़ोन है, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा फ़ोन आता है जो कि आपको सेम प्राइसिंग में मिल जाता है, सैमसंग गैलेक्सी M32 4G
आपको 11,500 या फिर 12,000 के करीब मिल जाता है। 4+64 के साथ में भी वही और इससे थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको एस डी प्लस के साथ में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा। और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे मैं सजेस्ट करूँगा F22, जो सैमसंग लवर है उन्हीं के लिए। लेकिन जो चाहते हैं भाई हमें सैमसंग लवर नहीं है, सैमसंग अलावा कोई दूसरा फ़ोन भी अगर इससे बेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसकी ओर भी जा सकते हो। तो मैं आपको मोटो वाला जो फ़ोन है ये G32 एक बेस्ट फ़ोन है, बेटर फ़ोन है या फिर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है ऐसा मैं नहीं कह सकता। एक नॉर्मल फ़ोन जो है डेफिनेटली आपको G32 देखने को मिलता है, G42 भी अच्छा है और G52 भी अच्छा है, क्योंकि भाई इन सभी फ़ोन्स के 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। एक 13,000 में आता है, एक 14,000 में आता है और एक 15,000 में आता है। उस हिसाब से कह सकते हो अपनी प्राइसिंग के हिसाब से सब स्टैंड करते हैं। लेकिन इनमें भी भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दे दूंगा। लेकिन भाई 13,000 के हिसाब से डेफिनेटली G32 एक बेटर चॉइस रहेगा। नहीं तो अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन लेना चाहते हो, मोटो का ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको काफ़ी सारे फ़ोन सजेस्ट कर रहा हूँ आई बटन वाली वीडियो में, जिसमें हमने बताया हुआ है कि 12,000 के हिसाब से कौन से फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। नहीं तो 15,000 तक अगर आप जा सकते हो तो मैं आपको वो वाली वीडियो भी आई बटन में दे रहा हूँ 15,000 के हिसाब से आपके लिए कौन से फ़ोन बेस्ट रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही अमेजिंग अगली वीडियो में।